हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7, सुबह के 7 बज रहे हैं। वैसे रेडी हूँ तो मतलब कहीं तो जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम दोनों जा रहे हैं एक ऐसे हिल स्टेशन पे जो हमारे घर से थोड़े नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो आज उधर आपको नज़ारे दिखाते हैं। गाइज़, हम पहुंच गए हैं कोंडेश्वर मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं नज़ारे, पीछे झरना है। बारिश का टाइम है इसीलिए यहाँ पे पानी है अभी फ़िलहाल। गर्मियों में पूरा पानी सूख जाता है और ये हरियाली भी थोड़ी कम हो जाती है। बारिश में हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मस्त एकदम। सुबह सुबह आओ, एकदम मूड फ्रेश हो जाओ। और ये मोहतरमा आ गई है वीडियो में वापस, शुरू से थी। कुछ बोलिए, जाते हैं। ये है पूरा अंदर जाने का रास्ता, आगे मंदिर है शंकर भगवान जी का। चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। वही मंदिर है और वो बाबा जी हैं मंदिर के, जिन्होंने मंदिर की स्थापना की है। तो आपको दिखाते हैं। आपने वीडियो में देखा, देखिए कितना अच्छा झरना है पीछे। प्लस बाद में एक और झरना है यहाँ पे खंबे के पीछे छुपा हुआ है। हाँ दिखा ना, तो ये है नज़ारे। बहुत आवाज़ आ रहा है ना झरने का, ये सब आवाज़ झरने का। ये रहा कोंडेश्वर मंदिर गाइस, यहाँ पे ही शंकर भगवान जी हैं। Thank you.
तो यहाँ पे घूमना हो गया, नज़ारे भी देख लिए आपने, ये रही मोहतरमा। अब वापस जाने का समय, जाते हैं। रास्ते में आपको अभी पहाड़ों के नज़ारे दिखा दे, जो आपने आते समय वीडियो में देखा होगा, अभी जाते समय थोड़ा रुक के अच्छे से आपको दिखाते हैं। अब घर पे जा रहे हैं, क्या बोले, घर पे जा रहे हैं अभी। दिख रहे ना काले काले आपको, वो सब पहाड़ी है गाइस। वो अब पहाड़ चढ़ के आ गए इतना ऊपर गाइस, वो देखिए पूरा कोहरा हुआ है। ठंडी का टाइम आ गया ना, बारिश के बाद ठंडी आती है, इसलिए कोहरा हो गया। हम यहाँ से भी निकल ही रहे हैं। दूसरा ले लिए। अब हम थोड़ा ना सुबह सुबह निकले थे घर से, तो कुछ खाए नहीं थे, तो अब चलते हैं थोड़ा नाश्ता लेते हैं यहाँ से।